हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, ये ब्लॉग काफी ज्यादा बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है ये, क्योंकि गाइस आज है छठ पूजा 19 नवंबर। गाइस, जिसका हम लोग एक साल से वेट कर रहे थे, फाइनली गाइस वो दिन आ चुका है। मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मैं अभी नहा धोकर मस्त गाइस कुर्ता पैजामा पहनकर रेडी हो गया हूँ। आप लोग बताओ गाइस आज का मेरा लुक कैसा है। और गाइस अभी सब लोग, बाकी लोग भी गाइस रेडी हो रहे हैं। फिलहाल गाइस अभी का जो सीन है ना, अभी हम लोग यहाँ पर सुपा रेडी कर रहे हैं। सुपा में गाइस आप सबको पता है फल रहते हैं और काफ़ी नारियल रहता है, काफ़ी सारा चीज़ रहता है। तो अभी अम्मा और बुआ मिलकर, दोनों लोग मिलके गाइस उसको धो रहे हैं अच्छे से, आपको दिखाते हैं। गाइस देख सकते हो पूरा सूपा आके रेडी हो चुका है। इसी में अभी हम लोगों का सारा फल नारियल गाइस जो भी है ना यहाँ पर सामान, वो सारे चीज़ इस सूपा में आएगा। और अभी यहाँ देख सकते हो अम्मा धो रही है। अम्मा बाकी सब फ्रूट्स कहाँ, कब कब धोएंगे? अच्छा गाइस सब कार्टून में है, अभी सब निकल के अभी अम्मा धोएगी, बुआ धोएगी अच्छे से। और यहाँ देख सकते हो हेयर इजावा लोचन मैया। हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ मैया, हैप्पी छठ मैया, हैप्पी छठ मैया। और गाइस ये है दौरी, इसी में गाइस हम लोग सुपा को रखेंगे। जैसे ही अम्मा सजा देगी सुपा को, और ये सुपा गाइस सबके सुपा में ना देखो नाम लिखा है, सभी का, ये सबका नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सारे सुपा को हम लोग इस दौरी में रखेंगे और इसको फिर सर पे रख के लेके जाएंगे कोरसा घाट। चल हम लोग जाते हैं ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर आ जाएगा 1 बजे तक। तो 1 बजे तक गाइस हम लोग सब कुछ रेडी करना है। 11:20 हो रहा है अभी टाइम है अपने पास, तो इतने दिन में तो सब कुछ रेडी हो जाएगा। गाइस इन लोगों से मिलो, ये लोग जो बच्चे हैं ना हमारे हमारे घर पे, ये लोग पैदा हुए थे और ऊपर से इसकी माँ कहाँ पर लेके भाग गई थी, अब जाके दिख रहे हैं इन लोगों की शक्ल। ओए कालू, कालू कालू एक बार यहाँ देख ले स्क्रीन में। ओए कालू, गाइस लुक एट माई बुआ, गाइस कितनी सुंदर लग रही है, बहुत शाइन कर रहा है आपका चेहरा एकदम। हाँ फैमिली को हैप्पी, खाना भी बन चुका है तो फटाफट खाना खाएंगे और गाड़ी भी आ जाएगा इस 2 बजे, फिर हम लोग निकल जाएंगे छठ घाट के लिए। तो फटाफट गाइस खाना आ चुका है, खाना खाते हैं। सो गाइस आप लोग ये खूबसूरती चेक करें, यहाँ पर मम्मी पापा लोगों ने गाइस सुपा सजा दिया है। इतना सारा सुपा गाइस देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल गाइस 10 सुपा है अपना। यहाँ पर बंदर लोग भी परेशान कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर पापा भी आ चुके हैं। पापा आप रेडी हो गए? नहीं, अभी रेडी होना है इनको। और अभी यहाँ पर मम्मी लोग भी, सब लोग गाइस अभी सुपा ही रेडी करने में लगे थे। और अभी ये सारा सुपा जाएगा दौरी में, इनके पापा बांध उनके अच्छे से, और इसी को उठाकर हम लोगों को छठ घाट में लेकर जाना है। और वहां देखे गाइस फोटो शूट हुआ जा रहा है। सो फाइनली गाइस जो अपना ट्रैक्टर है वो आ चुका है, अब हम लोगों को सारा जो भी दौरा है ना गाइस, रुक सुमे तो अकेले मत उठा, हम लोग उठा रहे तो गाइस जो भी दौरा है ना अभी हम लोग जाके ट्रैक्टर में रख देंगे। और 1 बज चुका है गाइस, 2 बजे तक हम लोग घाट में पहुंचना है एनी हाउ। तो फटाफट गाइस अभी दौरा को उठाकर ट्रैक्टर में रखते हैं, ठीक है। अम्मा आप जाओ फटाफट रेडी हो जाओ, अब हो गया है, जाओ फटाफट रेडी हो जाओ। चलो रुक सुमे मैं उठा के देता हूँ तेरे को। भीड़ बाटे बढ़िया भैया धीरे चलो, क्या गीला हो गया है, देख लो गाइस। हाँ वो धोए है ना ये लोग, पूरा सुपा वगैरह से भीग गया। शिवम अकेला मत उठा, उठा लेगा, भारी है। पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं, पकड़ूंगा कैसा? नहीं तो रहने दे, फिर रहने दे, मत उठा फिर। चलो गाइस जो मेन चीज है गाइस, यहाँ पर हम लोग सजा दिए हैं दौरा अपना, हमारा 2 दौरा है, इसके अंदर 10 सुपा रखा हुआ है। आज ही का दिन फाइनल मैच है गाइस, क्रिकेट मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है गाइस आज है छठ पूजा, और छठ पूजा के दिन मैच है गाइस, ऑब्वियसली गाइस इंडिया ही जीतेगा। यहाँ देख सकते हो गाइस मैच भी लग चुका है और 2 बजे का इस मैच शुरू हो जाएगा। फिलहाल ऊपर टॉस कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया गाइस टॉस जीता है, बट मैच वर्ल्ड कप हम ही लोग के नाम आएगा गाइस, कोई नहीं। यहाँ देख सकते हो मस्त, बोलो क्या लिए, बैटिंग या फील्डिंग? अच्छा फील्डिंग लिए। चलो गाइस तो पहला गाइस जो बैटिंग होगा वो कर रहे हैं इंडिया।
सो गाइस 2 बज चुका है, अभी हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं। दिखाते हैं गाइस कि मम्मी पापा कैसे लग रहे हैं। तो गाइस यहां आप देख सकते हो, हेयर इज गाइस आवर मम्मी, और कितनी प्यारी लग रही है गाइस। मम्मी फास्ट रखी है ना मम्मी, फास्ट है ना आपका, दो दिन तक फास्ट गाइस, मम्मी का 2 दिन तक फास्ट रहेगा। और गाइस पापा को देखो आज कितना सुंदर लग रहा है, इनका कुर्ता कितना मस्त लग रहा है। और गाइस हम लोग सभी लोग बोलो ना, गाड़ी भी हम लोग इजराइल से लेके आए। बिल्कुल गाइस, सबसे ज्यादा यूनिक गाड़ी ना गाइस हम ही लोग का है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। हम लोग सभी लोग इससे जाने वाले हैं, ताली से। तो सब लोग निकल चुके हैं, और आप सबको बताता हूँ हम सभी लोग गाइस नंगा पैर जाने वाले हैं, ठीक है, चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। और हम लोग हर साल गाइस ऐसे जाते हैं, इस साल भी हम लोग जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। वहाँ पर गाइस बालू गिट्टी से ना बहुत पैर दुखता है, लेकिन साल में एक बार आता है गाइस ये छठ पूजा, और एकदम मन से मनाना चाहते हैं, तो चप्पल वगैरह हम लोग नहीं पहनेंगे। तो यहाँ देख सकते हो शुभम भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है, लोचन भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है, मेरे पैर में भी नहीं है, और पापा के पैर में भी नहीं है, मम्मी के पैर में भी नहीं है। अम्मा चढ़ चुकी है डाली के ऊपर, अभी हम लोग भी चढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह गाइस हम लोग बैठे हुए हैं, मम्मी लोग ये बिछा के बैठे हुए हैं। बिल्ली बोलो हैप्पी छठ पूजा। सो गाइस एक विकेट चला गया इंडिया से, छठी मैया प्लीज इंडिया को जिता देना। सभी प्लेयर्स के पास ऐसा पावर दे दो छठी मैया कि एकदम ऐसा चौका छक्का मारे, ऐसा फील्डिंग करे ना कि जीत जाए। बोलो पापा, बोलिए छठी मैया की जय। जोर से बोलिए छठी मैया की जय। तो गाइस फाइनली हम लोग चल चुके हैं और आराम कर चुके हैं, पहुंच रहे गाइस छठ घाट, और फिर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। तो जा रहे हैं गाइस हम लोग, आप गाड़ी देखो गाइस किससे जा रहे हैं हम लोग। भाई छठी मैया पावर दे दिए सभी सारे प्लेयर्स को, अभी चौका छक्का ही मारेंगे। गाइस जो सूर्य देवता है कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस, अभी इन्हीं का हम लोग पूजा करेंगे, और जब ये सनसेट होगा ना तो फिर अर्घ वगैरह देंगे। और इंडिया का फ्लैग गाइस देख सकते हो, जो माहौल बन चुका है ना, इंडिया ही जीतेगा गाइस। फाइनली गाइस हम लोग फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपना छठ घाट तोरसा नदी। यहाँ देख सकते हो गाइस कितना गाड़ी लग चुका है, कितना भीड़ लग चुका है इधर। अभी हम लोग को यहाँ से उतरना है और काफी दूर तक जाना है, वहां पर वहां रुकते हैं ना गाइस। आप खूबसूरती देखो आप लोग, हम लोग छठ घाट पहुंच चुके हैं, और पापा यहाँ पर दौरा ले लिए हैं, और शुभम भैया गाइस अभी दौरा लेके आ रहे हैं। पहुँचते हैं गाइस अभी छठ घाट, और सब कुछ सेटिंग करते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो 110 है घाट नंबर, तो फिलहाल गाइस यहाँ पर यहाँ है हम लोग अपने घाट में आ चुके हैं। 110 नंबर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर अभी हम लोगों को गाइस पूरा सजाना है सुपर को, चलिए फटाफट सजाते हैं अभी। गाइस अभी सारे सुपा का जो मुंह है ना वो इस तरफ है, क्योंकि जो सूर्य देवता है अभी गाइस वहाँ से वो सनसेट होंगे, इसीलिए अभी सारा जो सुपा हम लोग इस तरफ रखे हैं, इनको समर्पित कर रहे हैं। सब रखा गया, अब यहाँ इसमें हम लोग सभी लोग दिया हुआ जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। यहाँ का सीन आप लोग देखो, जो अपना घाट है गाइस वो रेडी हो गया है, दिया वगैरह चल गया है, और सुबह में लोग तो पानी में उतर गए। और गाइस अभी थोड़ी देर बाद हम लोग भी पानी में उतर जाएंगे। हमारे फ्रेंड तन्मय, क्या चला तन में छठी मैया की।
मम्मी कहाँ छुप गई? मम्मी और गाइस हम लोग का यहाँ पर छठ घाट जो सुबह वगैरह है सब सजा दिए अच्छे से। अब बस जो सूर्य देवता है गाइस उनका इंतजार करना है, उनका सनसेट का इंतजार करना है और उनकी हम पूजा करेंगे। फिलहाल गाइस अभी फोटो शूट हो रहा है। गाइस अभी हम लोग आए हैं ऊपर मंदिर के सामने। ये बाबा जी ने बनवाया था पिछले बार, क्या हो गया था गाइस, भैया ने ना पूरा अच्छे से पूरा सजा दिया, फिर बंदर लोग आए और सारे सारे जो भी भैया ने इतना अच्छे से सजा के रखा था दिया वगैरह सब गिरा दिया। तो गाइस हम सभी लोग ना नंगे पैर यहाँ पर छठ पूजा में आए हुए हैं, आप देख सकते हो किसी के पैर में चप्पल नहीं है। और गाइस इतना टफ है ना गाइस, इतने सारे कांटे चुभ रहे ना पैर में, मैं क्या बताऊं। लेकिन जो मन में जो श्रद्धा है ना, बोलिए जोर से छठी मैया की। बोल ही रहा था उसको कांटा भी लग गया उसके पैर में, सुमे कहाँ कांटा लगा? सो गाइस इसके पैर में कांटा भी लग गया, सुमे कहाँ लगा कांटा यार? ठीक है ना, खून तो नहीं निकल रहा है? गाइस आप लोग ये फ्रेम चेकआउट करें, गाइस मम्मी जी वेट कर रही है सनसेट होने का और फिर मम्मी 5 मिनट तक जाना है। जी की पूजा करेंगे, जब वो सन सेट हो जाएंगे गाइस फिर हम लोग सभी लोग जाएंगे घर की तरफ और फिर रात को 2 बजे वापस आएंगे। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं वो टाइम आ गया है जब मम्मी और सभी लोग गाइस यहाँ पर अर्घ देने के लिए खड़े हो गए हैं और जो सूर्य देवता है गाइस वो सनसेट होने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मम्मी लोग बुआ लोग सभी लोग गाइस अभी पानी में उतर गए अगरबत्ती लेकर। सो गाइस जो शाम का अर्घ है वो हो गया है, अब हम लोग जाएंगे घर पे फिर से। गाइस जो सारे सूपा है ना अभी उसको यहाँ पर दौरी में डालेंगे और फिर जाएंगे घर की तरफ। थे सभी लोग गाइस यहाँ देख सकते हो अभी सब अपने घर पे घर जा रहे हैं और जो भी यहाँ पर सूपा था वो सब गाइस दौरा में हम समझे बांध लिया है। और फिर गाइस अभी हम लोग आएंगे 3 बजे उसके बाद फिर सारे सूपा सजाएंगे और जब सूर्य देव उगेंगे गाइस उनकी हम पूजा करेंगे। अब गाइस यहाँ देख सकते हैं शुभम भैया दौरा पकड़े और शिवम आज दौरा इस पर लेके जाएगा और मम्मी और पापा गाइस अब हम लोग सभी लोग घर निकलेंगे। तो मम्मी अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? इस बार हमारा छोटू पहली बार दौरा पकड़ा है, देखो। हाँ छोटू कैसा लग रहा है? ठीक है। गाइस इतना दूर लेके जाना पड़ रहा है दौरा और भैया इतना भारी दौरा है ना गाइस, इसमें पूरे 7 सुपा रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं गाइस अपना गाड़ी के फटाफट भैया को लेकर और इतना भीड़ है ना, भीड़ में भी काफी ज्यादा दिक्कत। जोर से बोलिए छठी मैया की। फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो आज शाम का गाइस अर्घ हो चुका है और जो अपना गाइस दौरा है अभी हम लोग इसको मंदिर के स्टोर रूम में रख रहे हैं और फिर गाइस रात को 3 बजे हम लोग फिर जाएंगे घाट और जब सूर्य उदय होगा उसका पूजा करेंगे।
तो गाइज यहाँ देख सकते हो जो भी अपना दौरा है यहाँ पर भैया ला दिए। और गाइज अभी सब लोग उतर रहे हैं ट्रैक्टर से, जिसको रख देते नहीं खुल रहा है क्या रोशन भैया, खुल गया। सो गाइज सभी लोग आ चुके हैं घर पे और अभी जो हालत है ना गाइज, पैर का हालत आपको पता है, हम लोग तो नंगे पैर गए हुए थे तो पैर एकदम अभी ऐसा फील हो रहा है सूज गया है। गाइज यहाँ देख सकते हो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और बैठ के यहाँ पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। गाइज जो इंडिया है ना गाइज, इंडिया 241 का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया वाले को, मेन जगह में रोक दिया है। तो गाइज देखते हैं क्या होता है इस बार, देखते हैं गाइज। मुझे तो भरोसा छठे में यहाँ पे कि इंडिया ही जीतेगा, अब लेट्स सी। तो गाइज अभी थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर चाय वगैरह पियेंगे, आराम करेंगे और खाना पीना खाएंगे, फिर गाइज रात को 2 बजे निकलेंगे। ओके तो गाइज अभी हम लोग मैच देखते हैं, मैच कहाँ तक पहुँचता है। फिलहाल गाइज हम लोग ना ये वाला ब्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइज शाम का जो अर्ग है वो गाइज हो चुका है, अब कल सुबह का जो अर्ग होगा वो आपको दिखाएंगे। तो गाइज फिलहाल ये ब्लॉग को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं गाइज अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, इसका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सुबह का अर्ग मैंने चाहता गाइज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, तो आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप ही को होगा कमेंट्री में भेजूंगा मैं। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय, लव यू ऑल।